हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कल हमने आपकी एक्सरसाइज 8.1 को क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो चलिए अब हम 8.2 की ओर चलेंगे और देखेंगे उसके अंदर बेसिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम बेसिक्स पर बात करते हैं कि हमारे बेसिक्स क्या होंगे एक्सरसाइज 8.2 के। हाँ जी, रेशियो के बारे में हमने अभी तक पढ़ा, अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन, ठीक है, अब आप भी जानते हैं, वैसे तो एक्चुअली मैंने आपको बताया कि प्रोपोर्शन होता क्या है। रेशो, रेशो क्या होगा, व्हेन टू सिमिलर क्वांटिटीज आर टू बी कंपेयर्ड विद द मेथड ऑफ डिवीजन। जब दो सिमिलर क्वांटिटीज को हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं विद द मेथड ऑफ डिवीजन, डिवीजन मेथड से, तो उसी कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो रेशो हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7:5, दिस इज अ रेशो। ठीक है, अब हम बात करें प्रोपोर्शन की, तो जब दो रेशो इक्वल हो जाए ना आपस में, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, लेबर है, ठीक है, एक लेबर है तो उसके कितने रुपए हैं एक दिन के, मान लीजिए ₹300 हो गए। ठीक है, सिमिलरली तीन लेबर जो हो जाएंगे, तीन लेबर हो जाएंगे तो उसके 3×3=₹900 बन जाएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो लेबर का लेबर से रेशियो फाइंड करो, क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटी है, तो 1:3। अच्छा, और इधर रुपीस का रुपीस से क्या करना, कंपैरिजन मतलब रेशियो फाइंड करना, तो 300/900 एंड यू विल कट इट, इट विल बिकम 1:3। तो थोड़ा ध्यान देना, जब मैंने लेबर का लेबर से रेशियो फाइंड किया दैट वाज 1:3, जब मैंने रुपीज का रुपीज से रेशियो फाइंड किया दैट वाज आल्सो 1:3। इट मीन्स जो दो रेशियो है वो आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। दो रेशियो आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। दो रेशियो इक्वल हो जाते हैं, तो जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। तो अब हम प्रोपोर्शन का केस उठाने वाले हैं, प्रोपोर्शन है कैसे एक्चुअली। ठीक है, तो लीजिए प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन तो आपको पता लगती है। हाँ जी, तो प्रॉपर्टी अब आप भी जानते हैं, लाइक अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बात कर रहे हैं, जैसे 1:2, 1:2, 3:4, ये तो चलो कॉमन है ना, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सबके लिए बात करें, तो अगर दो एक रेशियो जो पहले वाला है ए रेशियो बी, जो पहले वाला रेशो है ए रेशो बी है, और वो इक्वल हो जाता है किसी दूसरे रेशो सी रेशो बी के, तो एक रेशो जो है ए रेशो बी वो इक्वल हो जाता है किसी दूसरे रेशो सी रेशो डी के। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड दैट दीज बोथ रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। हम ये कहेंगे कि ये जो दोनों रेशो है ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। और प्रोपोर्शन का आपको सिंबल पता है क्या होता है, ये सिंबल है प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो लीजिए अब इसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पहले मैंने एक बार आपको बताई हूँ, ऐसे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, हम ऐसा देख सकते हैं। देखिए जब ये इक्वल था ए बाई बी, दिस विल लाइक ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, देख सकते हैं। अब देखिए डी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी इक्वल, बी जो डिवाइड में वो सी के साथ मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, सॉरी बी है सी इंटू बी, समझ आया, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया, तो प्रॉपर्टी क्या बन गई देखना, ये इधर वाले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई इक्वल हो गया, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई है, तो इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। ये है एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स मतलब बिल्कुल एंड वाले एक्सट्रीम्स। ठीक है, दीज आर एक्सट्रीम्स, और ये क्या है, मीन्स, ये बिल्कुल बीच वाले हैं। ठीक है, इनको हम मीन्स कहते हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट है, एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट है, देखिए ए टू डी इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इनके इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे डायरेक्ट, अगर कोई दो रेशियो आपस में प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स मतलब जो बीच वाले हैं और एक्सट्रीम्स मतलब जो बिल्कुल एंड्स वाले हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके थ्रू हम कुछ भी आप जब बड़े रहेंगे कॉम्पिटिशन में जाएंगे तब भी आपके लिए प्रॉपर्टी काम आएगी, ठीक है। तो लीजिए अब हम क्या करते हैं, इस पे बेस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। लीजिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मिसिंग फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। हमें मिसिंग फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। जो प्रोपोर्शन दिए हुए हैं उनमें से जो मिसिंग फ्रैक्शन है उनको फाइंड करना है, ठीक है। तो जो पहले वाला ए पार्ट है वो क्या है, 1/3 रेशो 1/2, दैट इज इन प्रोपोर्शन विद डैश रेशो 1, ठीक है। तो भाई ये वैल्यू का रेशियो इस वैल्यू से, इन दोनों का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में इन दोनों के साथ रेशियो के। तो भाई यहाँ पे अब जो वैल्यू है, लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स, तो लेट द मिसिंग फ्रैक्शन बी एक्स, ठीक है। लेट अस कंसीडर बी एक्स है ना, तो अब हम क्या मान लेते हैं, चलिए सिंस दीज आर इन, extremes will be equal to product of means, तो ये product of extremes की बात करें तो extreme में 1/3 और 1 है, 1/3 multiply by 1, product means to say multiply बेटा, product means to say multiply, that is equal to product of means, means का product, that is 1/2 multiply by x, लीजिए, and 1/3 will be equal to x divided by 2. अब आप जानते हैं जो डिवाइड, हमें वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज कर दीजिए, जो 2 है हमारे पास वो ट्रांसपोज हो जाएगा एंड दैट विल गो टू मल्टीप्लाई, 1/3 इज ऑलरेडी देयर, 2 क्या हो गया ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लाई में आ गया और x हो गया, देखिए देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 into 1 2 divided by 3, देयरफॉर दिस इज द आंसर। तो जो हमारा मिसिंग फ्रैक्शन है वो क्या है, 2/3 है, जो हमारा मिसिंग फ्रैक्शन है वो क्या है, 2/3 है, ठीक है। इस तरीके से इसे करना है, समझ आया। अच्छा एक और बात, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है बेटा तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जैसे आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट। हाँ जी देखिए बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, 4:7, 4/7 का रेशियो है किसी से, किससे है ये इक्वल, या फिर कह लो प्रोपोर्शन में है, किसके साथ प्रोपोर्शन में है ये, 8/9:1। तो लेट द मिसिंग फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम उसको लेट कर लेते हैं फ्रैक्शन बी एक्स, लेट कर लिया, देयरफॉर दिस दीज आर इन प्रोपोर्शन, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ, नाउ
product of extremes is equals to product of means. ठीक है, तो लीजिए भाई 4:7 product of extremes, this one to this one, these are extremes, is equals to product of extremes, x1 है, x multiplied by 8/9. अब आप जानते हैं 8x/9 जो कट रहा है उसको कट करना नहीं, 9 4 2 4 तो नीचे रहेगा भाई 9 ऊपर और 7 2 14 नीचे इज इक्वल्स टू एक्स. So this will be your answer. Got it? तो एक पार्ट सी रह गया, वो बेटा आप खुद ट्राई करिए. ठीक है, और ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं. एक नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, कल हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. ठीक है, अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा.